भोग 36 व्यंजन रोज ठाकुर जी खिलाएंगे, ऐसे मन मन में सेवा करते थे। ऐसे करते 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 वो इतना आविष्ट हो गया, उसने इतने आविष्ट हो गया, उसने एक दिन सोचा आज ठाकुर का हम विशेष पूर्वक सेवा करेंगे, सोने के मंदिर बनाएंगे, हीरे जवाहरात में सिंहासन बनाऊंगा, लक्ष्मी नारायण को मैं वहां बैठाऊंगा, बैठा करके सोने की कलश में गंगा से पानी लाए और ठाकुर को स्नान कराया, करा के पंचामृत खिलाए, हैं दूध दही घी सहित सब ला कर ठाकुर को स्नान कराया और रेशमी कपड़ा पहनाया ठाकुर जी को, इसमें सोने की जरी की काम है, मतलब आज ठाकुर जी को बढ़िया की भोग लगा, हैं बढ़िया गैया एकदम दूध से ला करके काजू किशमिश और उसमें बादाम खूब डलवाया, डलवा करके बोले सोने की कटोरी में ठाकुर जी को भोग लगा दिया। तो उनने सोने की कटोरी लाए, नियम है ठाकुर को जो भोग लगाओ ना एकदम बहुत गर्मी चीज, जैसे गर्मी में हम गर्मी चीज एकदम गर्मी चीज नाक के नहीं खा सकते, थोड़ी सी ठंडा हो, इसलिए ये अभी गर्मी ना ठंडा है, थोड़ी सी उन्होंने अंगूर डाला, लेकिन वो था गर्मी, अंगूर डालते ही वो अंगूर भर का पगला पड़ गया, कुछ है नहीं वहां पर, लेकिन अंगूर उसका पगला पड़ गया, क्योंकि वो खीर के अंदर पगला पड़ गया ना, इसलिए अंगूर हो गया अपवित्र हो गया। अभी बोले उसको ठाकुर को कैसे भोग लगा, उसमें अंगूर जल गया, ठाकुर को भोग कैसे लगा, अभी बैठ बैठ करके रो रहा है, आज ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाया, ठाकुर जी आज भूखे रह गए, ठाकुर जी बैठ बैठ करके रो रहे थे, इतने में बैठूं में नारायण देख देख कर हंस रहे थे, हैं भक्ति के भाव देख कर हंस रहे थे, लक्ष्मी चरण की सेवा कर रहे थे, बोले प्रभु आप मन मन में क्यों मुस्कुरा रहे हो, बोले तो नहीं कोई बात नहीं, बोले नहीं ऐसे थोड़ी मुस्कुरा सकते हो, मन में तो कुछ भावना आएगा तभी तो मुस्कुराओगे ना, इसलिए बताओ ना क्यों मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने सारी बात बताया, मरते जगत में ऐसे एक मेरा भक्त है, एकदम दीन ही नहीं भक्त, कुछ है ही नहीं, वो भाव सेवा करते 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 आज इतने तन में हो गया, मेरे को सोने की कटोरी में भोग लगाया, वो ठंडा गर्मी में अंगूर डाला तो अंगूर उसका भोगला पड़ गया, भोगला पड़ गया खीर के अंदर में, खीर हो गया अपवित्र, अभी उसको ठाकुर को भोग नहीं लगा सकता है, अभी रो रहा है ठाकुर जी भूखे, और ठाकुर जी को मैंने भूखे रख दिया, ठाकुर जी रो रहे हैं, लक्ष्मी बोली प्रभु ऐसे ऐसे भक्त रहते हैं जो भाव से सेवा करते करते, और ये अंगूर कुछ है नहीं डाला था खोखला पड़ गया, कुछ है नहीं लेकिन भाव से खोखला पड़ गया खाली कटोरी में, इसलिए हाँ मेरे ऐसे ऐसे भक्त। भगवान बोले प्रभु मेरे को साथ दिखाओ ना आपका भक्त कैसे, बोले चलो हम ले चलते, तब गरुड़ को पीठ कर बैठे, ठाकुर जी उसको लेकर के आए और देखा वो भक्त बैठे बैठे रो रहे, फिर ठाकुर जी उसको उठाए और गरुड़ को बैठाए और सिद्धार्थ को बैठे भगवान के हाथ में, इसलिए यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान ऐसे ठाकुर जी ने भाव ग्राही जनार्दन, हम कहते ना भाव के भूखे प्रभु है, भाव के भूखे प्रभु भाव ही सार है, भाव से भजन करते भाव से जुड़ा, इसलिए भगवान ऐसे, इसलिए ब्रह्मा जी हैं ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी खुद कहते हैं बोले जे अनारविंदात सभी मुक्त मानी, कहते ये ज्ञानी योगी कर्मी इधर उधर क्यों भागते हैं, ब्रह्मा कहते क्यों भाग रहे, अरे भगवान इतने दयालु इतने कृपालु हैं, उन तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं हो भाव से भी दे दो भगवान उससे खुश हो जाते हैं, और इनको छोड़ करके इधर इधर भटक रहे हैं ज्ञान कर्म जो तक में क्यों भटक रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, इसलिए कृष्ण स्वयं गीता में क्या कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्याः प्रयच्छति तत् अहं भक्त उपर्धित स्नान प्रजता, अगर प्रेम से मेरे को कोई कुछ चीज देता है लेकिन वो प्रेम होनी चाहिए भावना होनी चाहिए, अगर भाव से मेरे को कोई कुछ भी दे देता है स्वीकार कर लेता हूँ भगवान, फिर भगवान जो नाम लिया क्या नाम लिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार चीज का नाम लिया पत्ता फल फूल और जल, चार चीज का भगवान ने नाम लिया, अगर चार चीज में कोई भी एक चीज अगर मेरे को भाव से देते हैं भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, उसको उदाहरण देता है पत्रम, पत्ता किसी ने दिया ठाकुर जी को बोले बिल्कुल
पिछले दुर्जय खंड के मेवा त्यागी साध उधर घरे खाए सबसे ऊंची इसलिए उनको घर में गए कुछ है नहीं बस साग भाजी दिया था ठाकुर जी वहां साग भाजी से ठाकुर जी खुश हो पत्रम पुष्पम फूल फूल किसने दिया हाथी ने दिया जब उसको मगरमच्छ भेज करके ले जा रहा था अभी क्या करेगा नाक डूबने वाले जब तक नाक नहीं डूबा तब तुम युद्ध करते रहा जब नाक डूबने वाला तो मर जाएगा इतने में क्या देगा केवल इसने फूल उन्हें उठाया और ठाकुर जी को दे दिया भगवान कहते हैं जीवन में मेरे को दो बार मेरे को जल्दी मची है एक द्रौपदी के वस्त्र हरना समय में और एक से गजराज उद्धार करते समय जीवन में मेरे को दो बार मेरे को जल्दी मची है इसलिए केवल उसने नारा केवल दो अक्षर बोल दिया तो इतने में चक्र आकर के मगरमच्छ को काटता है इसलिए कहते पत्रम पुष्पम बोले फलम फलम किसने दिया बोले सबरी सबरी ने फल दिया ठाकुर जी पहले खाती है देखती है खट्टा के मीठा और ठाकुर जी को आरग रही और भगवान खुश होकर के भगवान कहते झूठे फल सबरी के खाए बहु विध स्वाद बताए सबसे ऊंची प्रेम बताए सबरी तेरी बेर में जो आज स्वाद मिला है ना वैकुंठ में मेरी लक्ष्मी आज कितना खिलाती उसमें वो स्वाद नहीं मिला तुम्हारे छोटे बैर में मेरे को जो स्वाद मिला इसलिए पत्रम पुष्पम फलम त्वयम त्वयम मतलब होता है पानी है भगवान का पानी देगा तो पानी किसने दिया बोले अद्वैत आचार्य जी ने भगवान को तुलसी तुलसी दल और पानी बस गंगा पानी देकर भगवान को बुलाया तो भगवान कहते हैं सुतिया आचिनो खीर समुद्र सागरी निद्रा भंग हरिलम और नारा मैं तो बोलो तो गंगा में सो रहा था कि अद्वैत आचार्य गंगा पानी तुलसी देकर के मेरे आसन को उसने हिला दिया है मेरे आसन को उसने हिला दिया मेरे को आना ही पड़ा इसलिए यहाँ पर गोस्वामी कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम भक्ति न प्रिय माधव जो माधव है क्या है केवल भक्ति के द्वारा भगवान संतुष्ट हो जाते हैं ठाकुर जी और किसी चीज को ठाकुर जी नहीं देखते हैं ठाकुर जी इसलिए भगवान भक्ति से भगवान ठाकुर जी वृंदावन श्री गुरुदेव की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय की जय 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 जय